मेरा 120 किलो वेट था, मैंने 3 माह में वेट को कम किया और फिर मैंने कंपटीशन के लिए तैयारी शुरू कर दी। ख्वाहिश थी बाहर जाके मुकाबला खेलूं, पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीतने में कामयाब हुआ। 200+ के जी वेट काटा मार दियो, एडी अच्छी ट्रेनिंग कर दियो, 1.5 घंटा ट्रेनिंग कर दियो। मैं भी ट्रेनिंग की, मेरे अभी तक कपड़े मेरे भीगे हुए हैं अभी तक। हर बंदा ही वेखता ना यार, बाबा जी वो अल्लाह दुआ करो, नमाज पढ़ो, ये वो यार। अल्हम्दुलिल्लाह हर काम ही करीदा है, जहाँ से गुजरता हूँ मैं, जहाँ हर लड़का देखता है, हर लड़की देखती है, बाबा जी माशाल्लाह कितने फिट है। यार मैं तो दुनिया को मोटिवेशन कर रहा हूँ यार, मैंने थोड़े पैसे कमाने टिकटॉक से या स्नैक वीडियो से। हर में जाना यार, मैं डब्बा पी के बॉडी बिल्ड बन जाऊँ, डब्बा पी के बॉडी बिल्ड बन जाऊँ, सारा पाकिस्तान बॉडी बिल्ड बना हुआ। मैं लड़कों को पढ़ाना होता है यार, क्या लिखा है, कोई ऐसी बात लिखी हो तो मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। ओ भाई नहीं, ऐसी बात नहीं, गेम कर रही है भाई, बीबियों के चक्करों में नहीं पढ़ना आपने। ओलंपिया का टाइटल मैं जीतूँ, फिर एक बार मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिल्ली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहद हसन। नाज़रीन आज हमारे साथ एक ऐसे बाबा जी मौजूद है जिनकी उम्र 61 ईयर्स ओल्ड है, मगर इनकी उम्र पे मत जाइएगा। नाज़रीन इनका कारनामा मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल जीता है, मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता है, ऐसे बॉडी बिल्डर हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग का आखिर में शौक कैसे पैदा हुआ और 61 ईयर्स ओल्ड में नाज़रीन इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल जीत लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूं। सर ये बताइएगा कि माशाल्लाह हम नौजवान लोगों तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, कोई जिम जा रहा है, कोई मोहब्बत में नाकामी के बाद बॉडी बनाने लग जाता है, आपने कैसे ये सब शुरू किया बॉडी बिल्डिंग जिम जाना? बस आपको पता ही है, हमारे इलाके में नशे की लानत तो बहुत ज़्यादा थी और इन लोगों को बचाने के लिए मैंने जिम भी खोला और लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इस तरफ आ रहे हैं और माशाल्लाह बड़े फिट हो गए हैं। मैं तो उन लोगों को देखता हूँ यार, मेरी तरफ देखो यार, मैं इतनी उम्र में गेम कर रहा हूँ यार, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अब ये सर्दियाँ हैं, मेरा ख्याल लड़के काफ़ी क्लबों में ना कम हो जाते हैं, तो बस रज़ाई उनको, कंबल उनको उठने नहीं देता। पता नहीं क्या बात, मोबाइल छोड़ेंगे ये कोई बात बनेगी ना, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे तो फिर रज़ाइयों में लेटेंगे ये लोग। अच्छा सर ये बताइएगा कि किस उम्र में आपने ये जिम जाना शुरू किया था, बॉडी बनाना शुरू कर दिया था? ये तो मैंने 16 साल की उम्र में ही मैंने ज्वाइन कर दिया था। बाली उम्र को सर को आप पर तो नहीं गाना 16 और तब तक मैं ट्रेन करता था, कंपटीशन का मुझे शौक नहीं था। फिर मेरे स्टूडेंटों ने, मेरे ज़ाहर उस्ताद थे मेरे बड़े अच्छे, और उन लोगों ने मुझे मोटिवेशन किया, सर आप अपना कंपटीशन खेलें, आप अपनी पहचान बनाएं, अल्लाह की मेहरबानी से आप हर चीज़ को जानते हैं, गेम जानते हैं, हर करना का मामला जानते हैं करना। तो फिर मेरा 120 किलो वेट था, मैंने 3 माह में वेट को कम किया और फिर मैंने कंपटीशन के लिए तैयारी शुरू कर दी। पहला मुकाबला मैंने शुमाली लाहौर का खेला, 4 पोजीशन 5 पोजीशन, फिर 3 पोजीशन 2, फिर आखिर 2020 में 1 मिस्टर लाहौर का, मास्टर लाहौर का टाइटल जीता मैंने। और फिर काफ़ी कंपटीशन खेले मैंने, मुश्किलों का सामना ही बड़ा करना पड़ा मुझे, और फिर अल्लाह पाक की मेरी हिम्मत नहीं हारी मैंने, और फिर मैं 2021 में मिस्टर पंजाब, 2021 में मिस्टर पाकिस्तान कराची खेल के आया था मैं। और फिर अल्लाह पाक ने, मेहरबानी, ख्वाहिश थी बाहर जाके मुकाबला खेलूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, वो अल्लाह पाक ने एक बस जैक लगा दिया, वर्ल्ड चैम्पियन के लिए मैं ताशकंद के लिए अपना फिट हो गया। ये टॉप सिटी वालों ने मुझे रिस्पॉन्स किया था और कराची वाले सहेल अनवर साहब ने, इन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की और इन लोगों की वजह से आज मैं उज़्बेकिस्तान में वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल जीतने में कामयाब हुआ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। जब पता है पाकिस्तान का झंडा लहराया जाए, पाकिस्तान का तराना बोला जाए किसी गैर मुल्क में, तो बंदा फ़क्र के सर तो ऊंचा हो जाता बंदे का। और हिम्मत नहीं आ रही, इंशाल्लाह अभी भी जारी है मामला, अल्लाह की मेहरबानी से ट्रेनिंग अपनी जारी रखी है। कौन सा टाइटल जीतना है ये बता दें? अब मेरी ख्वाहिश है अल्लाह पाक कोई रिस्पॉन्स करे मुझे और ओलंपिया का टाइटल मैं जीतूँ, या मसलमीनी का मुकाबला मैं खेलूँ, फिर एक बार मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आपको पता ही है पाकिस्तान में हुकूमतें तो खुद लड़ रही हैं, किसी को क्या देना, किसी ने सपोर्ट तो है कोई नहीं, बस कोई ना कोई अल्लाह पाक वसीला बना देगा इंशाल्लाह। मेरी ट्रेनिंग जारी है और मैं फिर कहता हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी से मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ एक बार फिर, और मुझे चांस मिला तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगा और इन लोगों को, इन बच्चों को बताऊँगा भाई इस उम्र के हिस्से में गेम कर सकते हैं। मियाँ साहब ने शेर लिखे है ना, गई जवानी मुड़ नहीं आती, भावें लख खुराकां खाइए, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिख छड़िया है। तो असी लोग तो उन्होंने पैरों की खाक वर्गे भी नहीं है, पर यह असी कह सकते हैं यार अल्लाह की बड़ी खास करमनवाजी, जी तुम इस उम्र के 500 kg वेट, 200+ kg वेट सकाटा मार दियो, एडी अच्छी ट्रेनिंग कर दियो, 1.5 घंटा ट्रेनिंग कर दियो। मैं भी ट्रेनिंग की, मेरे अभी तक कपड़े मेरे भीगे हुए हैं अभी तक,
हिसाब करना। तो लड़के घर में सोए हुए हैं, बस जुनून होना चाहिए ना। आपको पता है डाइट प्लान तो बहुत महंगा है, पर आस्ता आस्ता इंशाल्लाह बंदा थोड़ा बहुत चला ले। अपने आप को फिट रखना तो आपको डाइट प्लान तो चलाना पड़ेगा ही। सर ये बताइएगा कि जवानी में आपने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग करवाई है, मगर ऐसे इंटरनेशनली या नेशनली आपने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो क्या कब आपको फील हुआ कि यार नहीं अब मुझे करना है? क्योंकि लोग क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं कभी, और ज़्यादातर लोग शर्मो शर्मी में मर जाते हैं, यार इस उम्र च मैं काम करेंगे लोग की कहेंगे बाबे नु केड़ा शौक पिया है कि कमीज़ा ला दे वखरा सलमान खान बनी। अरे वो हर बंदा ही वेखदा ना यार, बाबा जी कोई अल्लाह दुआ करो कोई नमाज पढ़ो ये वो। यार अलहमदुलिल्लाह हर काम ही करीदा, जहाँ से गुजरता हूँ मैं, जहर हर लड़का देखता है, हर लड़की देखती है बाबा जी माशाल्लाह कितने फिट है। एंड वाली गल अच्छी लगी, हर लड़की देखती है, हर लड़का देखता, बीबियाँ वेखदियाँ यार माशाल्लाह बाबा इस उम्र बड़े फिट है। भाई ना लड़कियों का शौक ना लड़कियों का शौक, सिर्फ जिम जिम से प्यार किया मैंने। बीबियाँ कहंदियाँ ने भाएं को मैनू भी दवाई दस दियो, मेरे तो लक रह गए, मेरे फलां जगह से दर्द ही, तो सानू भी कोई एक्सरसाइज दस दियो। काफ़ी किसे वक्त मैनू मैसेज वगैरह फोन वगैरह आते हैं, डाइट प्लान पुछदियाँ बीबियाँ भैन बेचारियाँ, उन्होंने दसी तो जरूर है भाजी ये यूज कर लो, ये यूज कर लो, ये यूज कर लो। वो मेरा यूट्यूब चैनल मेरा अपना है WA फिटनेस मीडिया के ऊपर, और उसमें मेरी डाइट प्लान, मेरा ट्रेनिंग, मेरी हर चीज़ का मालूम लिए। बॉडी बिल्डर के साथ साथ आप टिकटॉकर भी हैं और यूट्यूबर भी? हाँ यूट्यूबर ही भी हैं। आजकल टिकटॉकर मेरे बड़े ख़राब हुए हैं, मेरे व्यू कम फेंक रहे हैं। पता नहीं लोगों क्या है यार, मैं तो दुनिया को मोटिवेशन कर रहा हूँ यार। मैंने थोड़े पैसे कमाने हैं टिकटॉक से या स्नैक वीडियो से या किसी चीज़ से पैसे कमाने हैं यार, मेरी तरफ देख के लोग मोटिवेशन हों, ट्रेनिंग करें। आपको पता है ये तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, और ये आप लोग ट्रेनिंग करेंगे यकीन कर अस्पतालों से दूर चले जाएंगे, दवाइयों से दूर चले जाएंगे, यकीन करो। मुझे तो इस चीज़ का इल्म है ना, अभी तक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कभी कब अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी आ जाए तो उसका मुकाबला तो करना पड़ता है, बाकी वरना अल्हम्दुलिल्लाह कोई जोड़ों का दर्द नहीं, कोई माशाल्लाह कोई फिट, कोई बात नहीं, अल्लाह का फिट है। सर ये बताइएगा कि जब आपने टाइटल जीता है मिस वर्ल्ड का, चैंपियन बने आप, तो क्या एक्सप्रेशन है, खुशी है, क्या क्या आप एक्सप्लेन करें अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स? ज़ाहिर है मुझे तो खुशी इतनी है, तो मैं बंदा खुशी से बंदा वैसे ही पंजाबी कहते बंदा पागल हो जाता ठीक है ना। तो मेरी कराची वालों ने बड़ी सपोर्ट की है, मेरी शजाद बुरफत नाम का एक कोच है हमारा कराची में, उनने मेरी बड़ी सपोर्ट की है। और दूजा सलमान अहमद मसल मीडिया का चैम्पियन है हमारा, ये रायवर रोड में उसका घर है माशाल्लाह, और उन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की है। और इसके बाद जो सेलर वगैरह हो गए, उन लोगों ने बड़ी मेरी मदद की है इन कंपटीशनों में, जो मैं उस भी सांस से वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल जीत के आया हूँ। काफ़ी लोग मेरी तरफ मेरी ना प्यार बड़ी करता रहे हैं और मुझे मोटिवेशन करते रहे, बाबा जी घबराना नहीं है इंशाल्लाह। मेरी रिव्यू में इंडिया था, मैंने इंडिया को भी बीट किया, इंडिया भी मेरे इंडिया था, आशिका उन्होंने थे, ईरानी थे, उधर अखवानी थे, उन लोगों से मैंने मुकाबला किया और अल्लाह पाक की मेहरबानी से जीता मैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बताइएगा आपके माशाल्लाह से कितने बच्चे? माशाल्लाह मेरी दो बेटियां एक बेटा माशाल्लाह। बच्चे तो कहते होंगे ना कि सांडा पंगा नहीं लेना, मेरा अपा जरा बॉडी बिल्डर ही। बेटे ने माशाल्लाह शादी की है, तो माशाल्लाह तीन बेटियाँ एक बेटा है, तो बड़ा मोटिवेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर फ़ख्र का सिर तो उच्चा हो जाता है, फैमिली का बहुत रोल होता है जो आपको डाइट प्लान बना के दे। खानदान के लोग भी आ जाते हैं कि ए बाबे नाल मैं फलां जगह ते एक दम नेकी? हाँ जी देखो देखो जी, मैं इंतशार पसंद नहीं, मिलनसार बंदा है, और जड़ा तो नेकी करता मैं कभी भुलिया नहीं उन्होंने, तो जाहिर है भुलना चाहिए भी नहीं उन्होंने, जिन्हें भी कोई गैब जी इलम मेरे ना कोई मदद की मेरी मुकाबले दौरान वास्ते, तो जाहिर मैं उन्होंने याद करना, उन्होंने मुश्किल से कम आना। मैं इतने काफ़ी लोग आते हैं जो फीस भी नहीं दे सकते, उन्होंने मैं ट्रेनिंग करवाना फ्री में, चलो यार कोई ऐसी गल नहीं यार, मतलब मैं कल तो ज्वाइन कर सकते आ गए, कोई ऐसी गल नहीं यार। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि ये डाइट प्लान क्या, मतलब क्या खाते पीते हैं, कुछ सानू भी दस दियो। हर बंदा आता है बाबा जी माशाल्लाह तुम बड़े फिट हो, खाते की हो? वो भाई खाना की है, जो मिल जाए वही खा लीदा है, पर थोड़ा इसमें डाइट प्लान थोड़ा मुख्तसर चलता है। हर चीज़ तो आपको पता महंगी है, अंडा ही 25-30 रुपये का हो गया, बंदा क्या करे, तो फिर भी तो अपनी ट्रेनिंग के लिए करना पड़ता, सारा कुछ खाना पड़ता सारा कुछ। आपको पता है इसमें वाइट चावल चलते हैं, कीमा वगैरह चलता है, ड्राई फ्रूट वगैरह चलते हैं, चिकन फिश वगैरह फ्रेश जूस चलते हैं इसमें। तो हर पी जाना यार, मैं डब्बा पी के बॉडी बिल्ड बन जाऊँ, डब्बा पी के बॉडी बिल्ड बन जाऊँ, सारा पाकिस्तान बॉडी बिल्ड बना हुआ। ऐसे दिखाते हैं सुबह बॉर्नविटा पी के, सुबह बॉडी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको, फिर ही आप बनेंगे, वरना नहीं।
किसी डब्बे से, कोई मेडिसिन से, कोई चीज़, फिर भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो 24 घंटे में आपकी क्या रूटीन है, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, फिर क्या करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं, सोते कितने? देखो ना, मैं तो सुबह नमाज के बाद जिम आ जाता हूँ 6:30 बजे, फिर 10 बजे 10:30 तक लड़कों ट्रेनिंग शुरू कराता हूँ, उसके बाद मैं चले जाता हूँ, फिर मैं 3 बजे वापस जिम में आता हूँ। मेरे को 3 बजे ला के 12 बजे तक पहले आके अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, अपने चैनल की वीडियो शीडियो बनाता हूँ, हमारा मामला करता हूँ अपने, और फिर मैं आके अपने लड़कों को ट्रेनिंग 12 बजे तक करवाता हूँ। मेहनत ही ना जितनी मर्जी करवा दे। तो और ये कहा कि माशाल्लाह टाइटल तो आप जीत गए हैं, मिस्टर लाहौर भी बन गए हैं, मिस्टर पंजाब भी बन गए हैं, चैंपियन भी बन गए हैं, मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी आपने जीत लिया है, उसके बाद यूट्यूब पर भी है, टिकटॉकर भी है, काफ़ी बीबियाँ भी मैसेज करती हैं, लड़कियाँ भी मैसेज कर, कुड़िया के नाम से तुम बड़ा हंसते हो, खास तौर पर बीबिया के नाते की वजह? बीबिया तो वैसे ही दूर रही ना, इन्होंने मेहरबानी ना इन्होंने नेड़े नहीं चाहिए, क्योंकि जिम ना प्यार करी दा। मैसेज वगैरह तो आते होंगे ना कि वही देखे बात सुन ले, आज नहीं, आज मेरी सिर्फ सुन ले। नहीं, ये चीज़ होती है ना, मैंने कभी टेंट ही नहीं किए, मैसेज आते हैं। पहले नंबर बार मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती सही तरीके से, मैं लड़कों को पढ़ाना होता है यार क्या लिखा है, कोई ऐसी बात लिखी हो तो मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। ओ भाई नहीं, ऐसी बात नहीं, गेम कर रही है भाई, बीबियों के चक्कर में नहीं पढ़ना आपने। बताइएगा कि आप जैसे माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं जो अपने बलबूते पे आगे आते हैं, आप लोग अपना नाम और अपनी फैमिलीज़ का नाम तो बुलंद और बाला करते ही हैं, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान, मुल्क के पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं, क्या कभी हमारे माशरे ने आपको एक्सेप्ट किया है, या कभी गवर्नमेंट ने आप लोगों को फैसिलिटीज़ दी है, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क के पाकिस्तान का नाम रोशन होता है इससे? देखो ना, जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन जीत के आया तो कोई गवर्नमेंट वगैरह ने कोई सपोर्ट नहीं की, तो किसी ने पूछा भी नहीं, आया भाई पानी पीना ही बाबा जी। तो ज़ाहिर है कहते हैं पंजाब स्पोर्ट बड़ा काम करती है यार, मैं मुझे पता ही नहीं पंजाब स्पोर्ट है कहाँ पर, पाकिस्तान में पंजाब स्पोर्ट भी है, जब मेरी कोई मदद करेगा फिर ही पता चलेगा वाकई या पंजाब स्पोर्ट है इधर, कोई पंजाब स्पोर्ट नहीं। जब कोई पैसे दे, कोई रिश्वत दे, कोई मामला लगे करते ही हैं, किसी की हेल्प नहीं, अपनी जंग खुद लड़ी थी, इंशाल्लाह आइंदा भी मैं कंपटीशन के लिए तैयारी करूँगा, खुद ही अपनी जंग लड़े पड़ेगी, वो अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, हमारी दुआएं आपके साथ है। वही सब जाते जाते अपने चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, जो आपको लाइक कमेंट और फॉलो करते हैं ख़ास तौर पर, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार मैं उन लोगों को यही पैगाम देना, यार मेरी तरफ देखो, मैं इस उम्र के हिस्से में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप लोग भी करनी शुरू करें इंशाल्लाह, और जो छोटी मोटी बीमारी है अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो जाएगी आपकी, और वर्कआउट करना चाहिए, जिम नहीं जाना तो नमाज़ पढ़ के वॉक करना की शुरू करो ना आप, और थोड़ा खाने को परहेज़ करो, ये आयली चीज़ें थोड़ी बंद करो, वो पंजाबी कहते हैं ना परौंठे खापे छापे बंद करो अपने, तो जिम वाल ध्यान दो, जहर अपना कोलेस्ट्रोल इंसान का बढ़ जाता है, तो डॉक्टर भी डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर कहते हैं जाओ यार एक्सरसाइज करो, जाओ इन लोगों को तो मैं ये पैगाम दूंगा, अपनी एक्सरसाइज करो, और लव करना तो अपने माँ प्यो ने करो, ताकि मेहरबानी इन चीज़ों से बचो, कोई दिल शिल टुटा हो तो गेम शीम शुरू की हो गए, अक्सर जो दिल टुटे तो गेम आम के बॉडी बिल्ड करते, मैं कह नहीं मैं दिल टूटे जोड़ देना फड़ के तो नहीं दिल नहीं टूटते इंशाल्लाह, जो जुनून है किसी बंदे का, और सारे लड़कियों को तो यही काम होता है, लड़कों छोटे छोटे बच्चों को, लड़कों को ये काम होता है ना, सारे काम करते हैं ये वो, पर अल्लाह पाक इन कामों से बचाए, और अल्लाह को याद करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने बहन भाई से प्यार करो, और अपनी ट्रेनिंग पे तवज्जो दो, खाने पे तवज्जो करो, जब आप फिट होंगे ज़ाहिर दुनिया देखेगी, और पंजाबी के चंद चढ़े हर बंदा ही वेंदा, तो हर बंदा ही वेंदा यार वो बाबा जा रहा है, फिर भी नहीं होनी चाहिए, ये मेरे अल्लाह की खास करो नवाजी है, अल्लाह पाक मैं तो कहना जो जान निकल पर टुटते फिर चले जाए, मंजीद पाने की जरूरत ही कोई नहीं। हाँ जी, ये तो नाज़रीन वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी गुफ्तगू आपने समाप्त फरमाई है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन पर भी लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।